नमस्कार दोस्तों, फाइनल रिवीजन सीरीज़ केमिस्ट्री आईएससी 10th स्टैंडर्ड के लिए आज आपके लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 8 ऑफ द सीरीज़। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे थॉट्स के द्वारा। पहला सीरीज़ का हमारा थॉट था लॉर्ड आई सरेंडर। सेकंड हमारा थॉट था लाइफ इज़ अबाउट ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग एंड गेटिंग बेटर। थर्ड थॉट वाज डोंट गिव इन विदाउट ए फाइट। फोर्थ इज वी नीड टू लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड नॉट टू रिएक्ट। फिफ्थ थॉट वी वर हैविंग फोकस ऑन द गुड। सिक्स दैट डिफरेंट व्हील्स ऑफ द कार डिफरेंट व्हील ऑफ द लाइफ वी नीड टू बैलेंस। सेवंथ वॉज द फेस योर फियर एंड द लास्ट थॉट टूडे इज इट इज़ ऑल अबाउट योर लाइफ। यू चूज हाउ टू हाउ यू वॉन्ट टू लाइक लिव इट। सो वेदर यू वॉन्ट टू स्पॉयल योर लाइफ, वेदर यू वॉन्ट टू इंजॉय योर लाइफ, वेदर यू वॉन्ट टू मेक इट द सुपर सुपर लाइफ दैट एवरीबॉडी विल लाइक टू एन्जॉय, इवन योर पेरेंट्स और योर फादर, इवन योर मदर, इवन योर फैमिली, फ्रेंड्स, चिल्ड्रंस, ऑल आर एन्जॉइंग योर लाइफ, दैट यू हैव टू क्रिएट दैट। इट इज़ अपॉन यू ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट दोस्तों, हम अब आगे चालू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन सबसे पहले वेरी फास्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी समराइज करने वाला हूँ। हाइड्रोकार्बन जो है एलिफैटिक या फिर जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सैचुरेटेड मीन्स उनको पैराफिन्स, पैराफिन्स मीन्स लिटिल अफिनिटी, मीन्स वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, CnH2n+2। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको ओलेफिन्स भी बोलते हैं हम। वो दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं, एल्कीन और एल्काइन। अगर सी डबल कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है उसको एल्कीन बोलते हैं, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है उसको एल्काइन बोलते हैं। और डबल बॉन्ड वालों का जो इनका भी जनरल फार्मूले के ऊपर आएँ, एल्केन का जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। साइक्लिक एलिसाइक्लिक एरोमेटिक आपके सिलेबस से बाहर हैं, सो ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप ये तीनों पे फोकस करिए, एल्केन एल्कीन अल्काइन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मीन्स लाइक फुटबॉल की टीम में एक एक जो प्लेयर है फुटबॉल खेलते खेलते जो उनको चोट लग गई है तो वो दूसरा प्लेयर उसको रिप्लेस कर देता है। दैट रिएक्शन इज टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय क्लोरीन, हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय ओएच, हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय फ्लोरीन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एल्कीन और एल्काइन, इस केस में कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें एडिशन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करते हैं उनको डालडा घी बनाने के लिए, वनस्पति घी बनाने के लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं निकल। तो ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है उसको बोलते हैं एल्कीन और एल्काइन जो रिएक्शन है इसकी एडिशन रिएक्शन। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा एडिशन रिएक्शंस आर मोर प्रेडोमिनेंट। चलिए दोस्तों, यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन के ऊपर जाएं। जनरली देखा गया है कि 1 to 4 हाइड्रोकार्बन जो है गैस स्टेट में होते हैं, फ्यूल यूज़ होते हैं, जैसे बूटेन एलपीजी में बूटेन प्रोपेन फ्यूल यूज़ होता है। 5 to 7 जो हाइड्रोकार्बन है सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे बेंजीन हेक्सेन इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन है सॉल्वेंट यूज़ होते हैं। 6 to 18 जो है गैसोलीन जो कि हमारा पेट्रोल होता है। 12 to 24 जो लिक्विड होते हैं जो जेट फ्यूल है जो कि जहाज़ों में यूज़ करते हैं। फर्दर अगर आप हायर में जाएं तो वो डीजल लुब्रिकेंट ऑयल्स एंड पैराफिन वैक्स जेलीस तो इसमें हमें आता है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन कंटेंट बढ़ने से क्या होता है कि वो स्टेट जो है गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड चेंज होती है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं रूट कार्बन के ऊपर। रूट कार्बन आपको पता होना चाहिए, सी वाना तो मिथ इथ प्रोप बूट पेंड, एटलीस्ट 5 तो आपको याद होनी चाहिए। अगर मेरे पास एल्केन फैमिली है तो मीथेन इथेन प्रोपेन बूटेन पेंटेन फार्मूला मैं बना सकता हूँ CnH2n+2 में सब्स्टिट्यूट करके। मैं इस पर ज़्यादा टाइम समय नहीं करूँगा, आगे मैं चलूँगा। इथीन, इथीन में फर्स्ट मेंबर मीथीन नहीं बनेगा क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, तो N2 से चालू होता है। इथीन प्रोपीन बूटीन पेंटीन हेक्सीन। उसी तरह से अगर हम इथाइन के लिए बनाएं, इथाइन प्रोपाइन बुटाइन पेंटाइन हेक्साइन, तो इस हिसाब से आपको फार्मूले लिखने आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे फार्मूले लिखते हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। स्ट्रक्चर्स बनाने के टाइम में एक ही बात ध्यान में रखनी है कि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 4 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजिशन आप एडजस्ट कर सकते हो, तो आप ये को प्रैक्टिस से आएंगे। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है कि एक ये मेंबर्स हैं इसमें, इसमें सक्सेसिव मेंबर्स में जो डिफरेंस है CH2 का होता है। जैसे मान लीजिए मीथेन और ईथेन, मीथेन का फार्मूला CH4 है, ईथेन का फार्मूला C2H6 है। अगर दोनों का डिफरेंस निकालें, एक कार्बन बनता है एक 2H बनते हैं, इसका मतलब कि दोनों कंसिक्यूटिव सबसिक्वेंट मेंबर्स में डिफरेंस क्या है CH2, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि सबसिक्वेंट मेंबर्स में जो डिफरेंस ऑफ मोलिकुलर वेट है 14 है।
इसमें क्या होता है कि होमोलोगस सीरीज में कॉमनलिटी होती है, कॉमनलिटी होती है मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। मान लीजिए हम अल्कोहल की फैमिलीज लिख रहे हैं, एल्डिहाइड की फैमिली, इनकी जो चेन है इनका जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती होमोलोगस सीरीज में, ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। सो दोस्तों आगे चलते हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। अब तो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन बाय विच इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन, मतलब कि सेल्फ लिंकिंग कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है। आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम मीन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, आइसोमर्स उसको बोलते हैं। जैसे हम मान लीजिए बोलते हैं पेंटेन है, एक लाइन में भी लगा सकते हैं और चार एक लाइन में लगा दिए, एक साइड में लगा दिए, ब्रांचिंग कर दी, तो ये है हमारे पास आइसोमर्स। चलिए दोस्तों ये मीथेन इथेन प्रोपेन बूटेन का ये स्ट्रक्चर्स आप खुद ड्रा कर सकते हो, फॉर्मूले आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये एल्केन्स हैं, ये पैराफिन्स हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको देंगे। नेक्स्ट है एल्कीन। एल्कीन जो है इथीन प्रोपीन बूटीन पेंटीन, मैं आपको पहले भी बता दिया फार्मूला पता है, जनरल फार्मूला वो भी पता है, CnH2n कार्बन में डबल बॉन्ड एक आना है, एक डबल बॉन्ड आना है, ज़्यादा नहीं डबल बॉन्ड लगा देने, एक डबल बॉन्ड लगाना है, कहीं पे भी लगा सकते हो, कोने में भी लगा सकते हो या सेंटर में भी। ओनली कंडीशन होनी चाहिए आपकी कार्बन की वैलेंसी चार से ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, ये जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों एल्काइन। एल्काइन के भी आप एटलीस्ट दो तीन प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे इथीन इथाइन प्रोपाइन एंड बुटाइन। इसको स्ट्रक्चर्स को देखिए दोस्तों कि कार्बन की वैलेंसी चार से ज़्यादा या कम नहीं आएगी, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है समरी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। एल्केन एल्कीन एल्काइन ये एक मेन ग्रुप्स हैं, उसके अंडर अगर हम जाएँ, फिनाइल को आप छोड़ दीजिए, एल्काइल हलाइड हमारे सिलेबस में है। जैसे मान लीजिए एच निकाल के सी एल लगा दिया, जैसे मीथेन था एच निकाल के CH3Cl हो गया, इथेन था C2H6, एच निकाल के C2H5Cl हो गया। एटलीस्ट दो दो मेंबर आपको याद करने हैं, अमीन्स आपके सिलेबस में नहीं है। अल्कोहल्स की बात करते हैं, जैसे मीथेन है एच निकाला OH लगा दिया, CH3OH बन गया। इथेन है हमारे पास C2H6 होता है, एक एच निकाला OH लगा दिया, C2H5OH हो गया। तो इसलिए मीथनॉल एंड इथेनॉल आर द मेंबर्स ऑफ अल्कोहल फैमिली। सिमिलरली इफ़ यू आर टेकिंग ईथर, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास ROR बोलते हैं उसको। आर क्या है बेटा, आर क्या है जी, मिथाइल ग्रुप है, CH3OCH3, ये है मिथॉक्सी मीथेन, CH3OCH3 से मिथॉक्सी मीथेन। अगर मान लीजिए एक साइड पे इथाइल हो जाता है C2H5OCH3, उसको कैसे लिखेंगे, मिथॉक्सी ईथेन, उसको क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी ईथेन। तो थोड़ी सी नोमेनक्लेचर मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें थी, अगर आपने पढ़ देख ली होगी तो आपको फायदा मिलेगा उससे। नाउ नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप में आपने ध्यान रखना है दोस्तों, CHO ग्रुप होता है लेकिन इसमें CO के साथ में एक कोने में H लगा रहता है। अगर एक कोने में H नहीं है तो वो कीटोन होगा। अगर CO सेंटर में आता है या कहीं बीच में आता है और लेफ्ट हैंड साइड में भी कार्बन है, राइट हैंड साइड में भी कार्बन है, तो इसका मतलब वो कीटोन है। अगर CO आता है और एक साइड में उसके H है तो वो हमेशा ही एल्डिहाइड होगा। अगर आप देख सकते हैं कि HCHO अगर होता है तो उसको मिथानॉल बोलेंगे, CH3CHO होगा तो उसको इथानॉल। एटलीस्ट दो मेंबर्स आप कर लीजिए, ये भी बहुत रहेगा। कीटोन की बात करें, कीटोन कीटोन में तीन कार्बन कम से कम होंगे फर्स्ट कीटोन में, CH3COCH3, तीन कार्बन होने के कारण CO जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है वो भी इंक्लूड करते हैं, प्रोपेनोन बोलते हैं उसको। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, अगर एच लगाते हैं तो एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप का होगा HCOOH, इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड या उसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। अगर CH3 लगाएंगे COOH तो उसका जो फंक्शनल ग्रुप हुआ है COOH, कार्बन दोनों कार्बन इंक्लूड करके इथ बन गया, इथानोइक एसिड। एस्टर्स जो हैं आपके स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में आप कर लीजिए, उतना ही बहुत है। अमाइड्स जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका मतलब कि मेन मेन आपको क्या करना है, अल्कोहल्स कर लीजिए, एल्डिहाइड कर लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड कर लीजिए और कीटोन कर लीजिए और ईथर, ये जो है हाइड्रोकार्बन्स आपको आने चाहिए। दोस्तों बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें सैचुरेटेड में जो है एडिशन रिएक्शंस नहीं होती, अनसैचुरेटेड में रिएक्शन एडिशंस होती हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है सैचुरेटेड के लिए, एल्केन के लिए। अनसैचुरेटेड के लिए जनरल फार्मूला CnH2n और CnH2n-2 होता है एल्कीन या फिर एल्काइन के लिए। रिएक्शन विद ब्रोमीन सॉल्यूशन, ब्रोमीन सॉल्यूशन जो है ऑरेंज रेड कलर का होता है, वो कलर चेंज नहीं करता,
इन केस ऑफ एल्केन, इट मींस जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ कलर चेंज नहीं होगा ब्रोमीन सॉल्यूशन का। अगर अनसेचुरेशन है, अगर डबल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कोई भी इथीन है या इथाइन है, दोनों ही ब्रोमीन सॉल्यूशन टेस्ट देंगे, दोनों ही डीकलराइज करेंगे ब्रोमीन सॉल्यूशन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। टेस्टिंग ऑफ एल्केन एंड एल्कीन, मान लो आपको क्वेश्चन आया था कि डिस्टिंग्विश करिए इथेन और इथीन में, आपने ब्रोमीन सॉल्यूशन ले लेना, पास द गैस थ्रू ब्रोमीन सॉल्यूशन। एल्केन के केस में लिख देना है ब्रोमीन कलर रेडिश ब्राउन कलर डू नॉट चेंज, एंड उस केस में इथाइन के केस में या इथीन के केस में आप लिखते हैं कि ब्रोमीन आफ्टर पासिंग द गैस, आफ्टर पासिंग इथेन और आफ्टर पासिंग इथीन और इथाइन गैस, द ब्रोमीन कलर डीकलराइज, ऑरेंज रेड कलर डीकलराइज टू कलरलेस। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है इथेन इथेन एंड इथाइन डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथाइन, और ऐसे भी आप पूछा जा सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन। तो एक सेचुरेटेड होगा, एक अनसेचुरेटेड होगा, जो अनसेचुरेटेड होगा वो डीकलराइज कर देगा, सेचुरेटेड वाला डीकलराइज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। एक इसका और भी टेस्ट है एल्कलाइन परमैंगनेट सॉल्यूशन, तो उसमें भी पर्पल कलर जो है वो डीकलराइज हो जाता है इन केस ऑफ इथीन और इथाइन। अगर आपने पहले किया हो तो आप कीजिए, नहीं तो ये वाला टेस्ट आप कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट दोस्तों। नेक्स्ट एक और टेस्ट की बात करते हैं, इसमें रिएक्शंस लिखी हुई है दोस्तों। रिएक्शंस नहीं हमने करनी, हमने सिंपल से लिखना है रिएक्शन के बीच में कुछ रेड पीपीटी व्हाइट पीपीटी, मुझे वही चाहिए क्योंकि यही हमने मैंने आपको बताना है और कुछ नहीं। टेस्टिंग ऑफ एल्कीन और एल्काइन, अभी देखिए कि मान लो क्वेश्चन आया था इथीन और इथाइन में डिस्टिंग्विश कीजिए केमिकल टेस्ट के था, उसमें ऐसे नहीं आपने बताना कि ये फार्मूला ये है ये फार्मूला, ऐसे नहीं बताना, आपने डिस्टिंग्विश केमिकल टेस्ट बताने होते हैं। इथीन और इथाइन दोनों में डबल बॉन्ड है, इसलिए ना तो हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ना हम यूज़ कर सकते हैं एल्काइन परमैंगनेट सॉल्यूशन टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? दो और टेस्ट है, इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो है इथाइन देगा, इथीन नहीं देगा, इथाइन देगा। कौन से प्रेसिपिटेट आएंगे? व्हाइट पीपीटी आएंगे। बस आपने यही लिखना है कि गैस वाज पास्ड थ्रू अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, व्हाइट पीपीटी फॉर्म्ड, इट मींस इथाइन कन्फर्म्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है कन्फर्म हो गया, और इथीन के केस में व्हाइट पीपीटी नहीं आए। या फिर अगर आपको ये नहीं याद होता तो आप दूसरा भी टेस्ट कर सकते हो, कुप्रस क्लोराइड टेस्ट, अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड। पहले अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट था, अभी अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड है। मोनिकल कुप्रस क्लोराइड में इथाइन जब पास करते हैं तो रेड पीपीटी आ जाता है, इथीन आते हैं तो रेड पीपीटी नहीं आता। मींस ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी चाहिए। ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, से अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या फिर अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट, ये सिर्फ सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली इथाइन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट दोस्तों। नेक्स्ट है समरी। समरी के तौर पे मैं बताऊँ आपको, इथेन और इथीन में यूज़ करेंगे ब्रोमीन टेस्ट और फिर या फिर एल्कलाइन के MnO4। कौन टेस्ट देगा? इथीन टेस्ट देगा। ब्रोमीन ऑरेंज रेड कलर डीकलराइज हो जाएगा, KMnO4 का पर्पल कलर डीकलराइज होगा, किसके साथ होगा? इथीन है, इथेन में कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। इथाइन और इथीन में इथाइन टेस्ट देगा। कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट या फिर कुप्रस क्लोराइड टेस्ट। सो स्पेलिंग एरर्स हैं दोस्तों, उसको इग्नोर कीजिए, आप मेन मेन फोकस पे जाइए क्योंकि मैं बहुत जल्दी से वीडियो ये बना रही हूँ। एंड विच गिव्स व्हाइट एंड रेड पीपीटी विद एल्काइन। व्हाइट पीपीटी किसके साथ? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। कौन देगा? इथाइन देगा। और कुप्रस क्लोराइड कौन देगा? इथाइन देगा। इथीन ने ये रिएक्शंस नहीं देनी। व्हाइट पीपीटी आएगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, एंड रेड पीपीटी आएगा हमारा किसके साथ? अमोनिकल सॉरी कुप्रस क्लोराइड के साथ। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ सल्फर के, ये वीडियो इसके रिलेटेड रेलिवेंट नहीं है, इग्नोर कीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट लैब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मीथेन सोडा लाइम डी कार्बोक्सीलेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी कार्बोक्सीलेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? इसमें कार्बन एक कम होता है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CH3COONa, मतलब कि सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ, जिसको सोडा बोलते हैं, CaO इन द प्रेजेंस ऑफ हीट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, Na2CO3 प्लस मीथेन, एक कार्बन। पहले दो कार्बन थे CH3COONa, नो एक हो गया, मीथेन हो गया, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सीलेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिमिलरली ऐसी और रिएक्शन आपको आ सकती है, देखिए दोस्तों, C2H5CONa NaOH CO,
एन ए टू सी ओ थ्री सी टू एच सिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राइट द रिएक्शन व्हेन सोडियम इथेनोएट इज ट्रीटेड विद लाइम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा। तो इस हिसाब से आपको ये रिएक्शन दोनों आनी चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट सोडियम एसीटेट टू मीथेन, या फिर सोडियम प्रोपियोनेट टू इथेन, ऐसे क्वेश्चन भी आपको ऐसे आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। टेम्परेचर कलेक्शन मेथड जो है अप्रॉक्सीमेटली 300 डिग्री सेल्सियस या फिर 573 केल्विन बोल सकते हैं। स्लाइटली सॉल्वेबल इन वाटर है इसलिए, एंड लाइटर देन एयर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, इसलिए हम कलेक्ट कर सकते हैं। यूजेस सीएनजी फ्यूल, मेन सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट दोस्तों प्रिपेयर मेथड है इथीन के लिए, लैब प्रिपरेशन रिएक्शन, उसके लिए हमारे पास है इथेनॉल। इथेनॉल आपको पता है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट करता है, वाटर रिमूव कर लेगा, इथीन हमारे पास बन जाएगा। ये रिएक्शन 404 सॉरी 170 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको बनाते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, बिकॉज इन सॉरी इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इनफ्लेमेबल गैस, एंड इट इज यूज इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स फॉर मेकिंग पॉलिथीन ऑक्सी एसिड ऑक्सीथाइलीन फ्लेम। लैब मेथड ऑफ प्रेपरेशन नेक्स्ट इज इथाइन। इथाइन कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सी टू एच टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों। ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, तीन रिएक्शन जरूर कर जाएगा इसका। एसेटिलीन गार्लिक लाइक ऑर्डर क्यों होता है? गार्लिक लाइक ऑर्डर इथाइन के कारण नहीं होता, गार्लिक लाइक ऑर्डर फॉस्फीन के कारण होता है या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर रिमूव द इंप्योरिटी लाइक एच टू एस अमोनिया आर्सिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रैड फैक्टर्स, एंड फॉस्फिन इज रिमूव बाय एसिडिफाइड पोटाशियम ट्राइक्रोमेट। एडिशन रिएक्शन दोस्तों, जो एडिशन रिएक्शन है कोई भी हाइड्रोकार्बन है, एडिशन रिएक्शन की जो है सॉरी एडिशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। जैसे मीथेन है, मीथेन प्लस ऑटो गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इथेन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इथीन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ही बनेगा दोस्तों। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, अल्कोहल अल्कोहल प्लस एसिड गिव राइज टू कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल प्लस प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड गिव राइज टू एस्टर प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। देखिए इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोस्तों एक प्रिंटिंग एरर आ गई है, आप मैं बोल देता हूँ आप प्रैक्टिस खुद कर लीजिए। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सी टू एच फाइव सी एल प्लस के ओ एच एक्वस गिव राइज टू सी टू एच फाइव ओ एच प्लस के सी एल। तो ये जो है इसका मतलब क्या कि यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सी टू एच फाइव ओ एच, तो ये हमारा जो है यहाँ पे आना था। सिमिलरली सी टू एच फाइव सी एल के ओ एच के लिए यहाँ पे हमारा और कुछ नहीं है, यहाँ पे एक प्लस का साइन है और कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ग्लेशियल एस्टिक एसिड जो है 17 डिग्री सेल्सियस में एसिटिक एसिड जो होता है हमारा सी एच थ्री सी ओ एच होता है, वो ग्लेशियर की तरह दिखता है, इसलिए उसमें उसके ग्लेशियल एस्टिक एसिड बोलते हैं। क्रिस्टलाइन मास रिजेंबलिंग लाइक ग्लेशियर। इथाइल को डिहाइड्रेशन हमने रिएक्शन अभी अभी किया, मेथड ऑफ प्रेपरेशन इथीन में सेम रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करता है कॉन्सेंट्रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर फोकस करेंगे नाउ दोस्तों, अभी ये चीज़ करिए आप, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चंस आने हैं। मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई है कि क्या क्या चीज़ें हमने करनी है, जस्ट हैव ए लुक दैट, पीछे हम देखें कि क्या क्या हमने एकदम से देखा फटाफट जल्दी से, तो उससे क्या है कि हमें पता लग जाएगा कि क्या आना चाहिए हमें किसके। तो देखिए दोस्तों हमारे पास जो है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हाइड्रोकार्बन एल्केन एल्केन काइंड होते हैं सी एन एच टू एन प्लस वन, सी एन एच टू एन एंड सी एन एच टू एन माइनस टू। सिमिलरली देन यूज बताया कि जो कम हाइड्रोकार्बन है गैसेज है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है। उसके बाद रूट कार्बन है, एटलीस्ट पाँच नाम आप याद करिए, मीथ हिथ प्रो बूट पेंट। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज क्या होती है, दो सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस जो है सी एच टू होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करती। कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है। आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट रहता है। मीथेन के स्ट्रक्चर्स आपको होने चाहिए, वैलेंसी चार होनी चाहिए। इथीन के स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स कार्बन वैलेंसी आपको क्लियर होनी चाहिए। इथाइन जो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहीं पे लगा सकते हैं सेंटर साइड में,
तो कार्बन की वैलेंसी चार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको अल्कोहल के ऊपर फोकस करिए, ओ एच सी एच ओ होगा एल्डिहाइड, सी ओ केला होगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कार्बन कार्बन हो गया तो कीटोन होगा, सी ओ ओ एच होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर भी हो सकता है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में आप देख सकते हैं, सैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शंस होती हैं, सॉरी सॉरी सैचुरेशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं और एडिशन रिएक्शन होती हैं अनसैचुरेटेड में होती हैं। सैचुरेशन जनरल फार्मूला CnH2n+2 है एल्केन के लिए, सैचुरेटेड के लिए, एंड CnH2n फॉर अनसैचुरेटेड एल्कीन एंड एल्काइन CnH2n-2। तो डी कलराइजेशन ब्रोमीन वाटर, जो ब्रोमीन सोल्यूशन टेस्ट है जो एल्केन नहीं देगा, एल्कीन और एल्काइन दोनों टेस्ट देंगे। एल्कलाइन परमैंगनेट सॉल्यूशन जो है अनसेचुरेटेड में देता है, इथीन इथाइन टेस्ट देंगे, इथेन नहीं देंगे। सो इस हिसाब से टेस्टिंग हमने कर सकते हैं। और तीसरा टेस्ट हमारा था जो कुप्रस क्लोराइड टेस्ट एंड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये एल्काइन ही टेस्ट देंगे। वाइट पीपी आएगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के लिए और अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड के लिए रेड पीपीटी। तो दोस्तों ये हमने थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके बाद में ये नहीं इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट इज लैब प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, CH3CONa+NaOH गिव राइज टू CH4+Na2CO3। दूसरी रिएक्शन भी है इसकी, C2H5CONa+NaOH गिव राइज टू Na2CO3C2H6। सॉरी दोस्तों, ये इथेनोएट जो है ये एस्टर है, COOR बोलते हैं इसको, एच निकाल के एन लगाया हुआ है। टेम्परेचर मेथड्स डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। सो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास। इथीन, इथीन अभी भी बाद में भी किया था हमने, कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज़ करते हैं इथाइन गैस एंड इथाइन गैस ऑल्सो। नेक्स्ट दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइन, तो ये जो है इम्प्यूरिटीज के कारण जो बैड स्मेल आती है इनकी। ऑक्सीडेशन कोई भी है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगी। स्टेरिफिकेशन अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड गिव एस्टर प्लस वाटर जिसकी फ्रूटी स्मेल होती है। एक के वच एक्वस एंड अल्कोहलिक, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। C2H5Cl+ KOH एक्वस गिव राइज टू C2H5OH+KCl। सिमिलरली C2H5Cl+ KOH अल्कोहलिक, अगर अल्कोहल होगा तो C2H4+KCl+ वाटर एलिमिनेशन हो जाएगी। 17 डिग्री सेल्सियस पे जो है एस्टिक एसिड ग्लेशियर लाइक मास्क दिखाई देता है हमें, तो क्रिस्टलाइन मास होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं ग्लेशियल एस्टिक एसिड। इथाइल को डिहाइड्रेशन कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं दोस्तों। देखिए आपको सोचिए दोस्तों कि क्या इसमें क्या हो रहा है, कि पहली क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन अगर आपको कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो इसमें सारी रिएक्शंस कवर की गई हैं। आपने देखिए कि इथेनॉल प्लस Al2O3 हमने कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन की है, तो ये सेम ही रिएक्शन है उसकी, ये डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन है। केन शुगर प्लस इन्वर्टेस एंजाइमेस, ये फर्मेंटेशन की रिएक्शन है दोस्तों। ब्रोमो इथेन अल्कोहलिक के बच्चे अभी अभी करके हटे हैं, वो जो है इथीन बनाती थी हमें, इथीन प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजनेशन की कैटलिस्ट है जो मैंने बताया था आपको। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड इथेन प्लस कैटलिस्ट सिलिका, तो ये है पायरोलिसिस की रिएक्शन हुई। तो दोस्तों आप थोड़ा सा ट्राई करिए, आप कोशिश करिए, मैं आंसर आपको नेक्स्ट उसमें दिखा रहा हूँ, तो आप जो है वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं आपके आंसर। तो बेसिक आपको थोड़ा प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी इसमें, और अभी इस टाइम समय कम है, कम समय है, तो थोड़ा सा प्रेशर में है। प्योर एस्टिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एस्टिक एसिड, जो मैंने आपको बता दिया है कि 16.5 डिग्री से सॉलिडिफाई एसिड मास हो जाता है, फ्लोट्स ऑन द सर्फेस एस्टिक एसिड एज ए ग्लेशियर। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स इन इथेन, आपने स्ट्रक्चर बनाना है, बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, सिक्स आएंगे इथेन और इथीन, इसको क्वेश्चन को कैसे लिखना है। ब्रोमीन वाटर ऐड किया, रेडिश ब्राउन कलर फेड्स हो गया, इस तरह से आप ये इसके ऊपर फोकस करिए, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए कि कैसे लिखने हैं, क्योंकि राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सोडियम प्रोपेनॉल, ये सोडा लाइम रिएक्शन है सेकंड वाली। नेम द फॉलोइंग प्रोसेस बाय व्हिच इथेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथीन। इथीन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोकार्बन विच कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, मीथेन हाइड्रोजनेशन। निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए, कैटलिस्ट यूज टू कन्वर्ट इथाइन इनटू इथेन, निकल। राइट द रिएक्शन, वाटर विद कैल्शियम कार्बोनेट, इथाइन प्रेपरेशन। स्ट्रिंक्शन बिटवीन टेक्स प्लेस बिटवीन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एस्टिक एसिड। एस्टरीफिकेशन, फ्रूटी स्मेल, कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन, मेथड ऑफ प्रेपरेशन इथीन, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन। इथाइल प्रोवाइड टू थाइल ग्रुप, के वाई एक्वस वाली रिएक्शन,
टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन कैटिनेशन, सीरीज ऑफ कंपाउंड सक्सेसिव मेंबर डिफरेंशिएट होमोलोगो सीरीज, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल ओ एच, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन ज्वाइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड अनसेचुरेटेड, डैश ऑफ द कंपाउंड विच कार्बन फंक्शनली फ्लैंक बाय अल्काइल ग्रुप फ्रॉम बोथ साइड, कीटोन, मैंने आपको बताया था CH3 दोनों तरफ होगा। द डैश गैस इवॉल्व्स व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम, मेटल एसिड रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस आएगी, क्लोरोफॉर्म इज प्रिफर्ड फॉर मीथेन इज यूज्ड इन एनेस्थीसिया, डैश इज फॉर्मड व्हेन मीथेनॉल इज ऑक्सीडाइज बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड। सो ये जो है ये दोस्तों हमने नहीं की ज़्यादा रिएक्शंस, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, KMnO4 या क्रोमिक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये मिथेनोइक एसिड बनाएगा। डैश इज फॉर्म इन थायरॉइड ब्लड स्ट्रीट विद अल्कोहलिक इथीन। IUPAC नेम ऑफ एसिलीन, ये दोस्तों आप थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करिए, आंसर जो है आंसर या फिर हिंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट हिंट है IUPAC नेम ऑफ एसिटिलीन इथाइन, द कंपाउंड फॉर्म इन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन, नेम द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इज मिसिंग, राइट द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथेन इथेन फ्रॉम सोडियम प्रोपेनुएट, सोडा लाइम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन, तो हम जो है ब्रोमीन सॉल्यूशन टेस्ट यूज कर सकते हैं या फिर अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन टेस्ट। इथाइन एंड इथीन यू कैन यूज कुप्रस क्लोराइड मोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट और टोलन्स रिएजेंट टेस्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन यूजिंग अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, राइट द रिएक्शन फॉर द इथेनॉल फ्रॉम मोनोक्लोरो इथेन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो इथेनॉल मोनोक्लोरोइथेन C2H5Cl प्लस KOH एक्वस एंड C2H5Cl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट सेम रिएक्शन। सो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये है क्वेश्चन, कई बार कंपाउंड इज बबल थ्रू ब्रोमीन रिजॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड द प्रोडक्ट इज CH। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर लग रहा है मुझे, CH2Br ये है CH3Br होगा CH2Br ड्रग स्ट्रक्चर फॉर्मूला, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अंडरगोस, तो ये एडिशन रिएक्शन होगी, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, रेडिश ब्राउन कलर फेड हो जाएगा, नेम द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्मड, स्टीम एयर रिएक्ट विद इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। वैसे क्वेश्चन है दोस्तों ये पढ़ लीजिए, आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड इज COH, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शंस एंड द व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्रोडक्ट बैक इनटू ए, तो ये जो है कुछ आपको हिंट दिए हुए हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगी है, तो ये मैं पूरी परफेक्ट तरीके से वीडियो नहीं बना पाया टाइम समय के कम होने के कारण, तो आपको जितना फ़ायदा मिल सकता है आप प्लीज़ उठा लीजिए, बाद में इसको हम रिवाइज कर देंगे। तो देखिए दोस्तों ये नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स इन ईथेन मोलिक्यूल आर 4, 6, 8, 10, तो इस हिसाब से हम उसको बता सकते हैं कि ईथेन में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अंडरगो एडिशन रिएक्शन रेड प्रेसिपिटेट विद मोनिकल कोपरस क्लोराइड, तो वो क्या होगा, इथाइन होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स इथेनॉल टू मेक स्पर्यस इज मिथेनॉल, ड्रग स्ट्रक्चर फॉर्मूले से आपको बनाने हैं, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन कर सकते हो। इफ बैलेंस इक्वेशन फॉर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम हाइड्रोमीथेन, तो लिख सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम एन अल्कोहल एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, अल्कोहल फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, आंसर आपको दिए हुए दोस्तों। क्या स्ट्रक्चर फार्मूला है, कुछ स्ट्रक्चर फार्मूले हमने बताए हैं डाइथाइल ईथर के लिए, 2-प्रोपेनॉल के लिए, तो ये दोस्तों आप देख सकते हो। गिव रिएक्शंस फॉर मीथेन डज नॉट अंडरगो बिकॉज इट्स हैविंग कैन नॉट बी सिंगल बॉन्ड ओनली, तो नो रिएक्शन इज पॉसिबल। इथाइन इज मोर रिएक्टिव देन इथेन बिकॉज इथाइन इज हैविंग ट्रिपल बॉन्ड विच कैन बी चेंज टू सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोकार्बन्स आर एक्सेलेंट फ्यूल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली बर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो दोस्तों कोशिश करते रहिए तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, ये मेरी आपके आपको प्यार है मेरा, मोहब्बत है आपसे, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि आपको आपके अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू द ऑलमाइटी। सो विद दैट प्रेयर सो विल क्लोज दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।